चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक आदमी तेज कदमों के साथ रास्ते पर चलता जा रहा था, पर तभी अचानक बारिश होने लगी। उसे सामने पंचायत घर दिखा, पर वो वहां रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो चलता रहा। लेकिन तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़की। वो आदमी डर के मारे भागा और जाकर पंचायत घर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया। हे भगवान, मैं कहां फंस गया? पंचायत घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से किसी के बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। लेकिन अंधेरे में दिखना मुश्किल था। उसने मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी हुई तो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक सी दिखने वाली चुड़ैल प्रकट हुई। मुझे कुछ मत करना, मैं तो बस। मालगंज नाम के गांव में एक पंचायत घर था, जहां विवेक सचिव की पोस्ट संभालने आ रहा था। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी, मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं है और गांव में ही आकर रुका हूं। क्या करूं, नौकरी है तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन पहला मौका मिलते ही मैं यहां से भाग जाऊंगा, बता रहा हूं। क्या रोड है ये? रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं सचिव हूं ना, मरोगे तुम भी, मरोगे वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ती है। क्या बक रहे हो, जाओ यहां से, भाग जाओ, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। फिलहाल तू भाग जा यहाँ से, वरना मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। विवेक उस पागल आदमी से पीछा छुड़ाकर पंचायत घर पहुँचता है। अरे सर, आप आ गए, आइए आइए, मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, पंचायत घर का दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो एक बहुत बुरी बदबू आती है। ये इतनी बुरी बदबू किस चीज की है? पता नहीं सर, मेरी तो नाक में बस गई है ये बदबू, तो मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन मुझे तो यहाँ रहना है। एक काम करना कि बाजार से बहुत सारे एयर फ्रेशनर ले आना। और प्रधान जी का है? वो आजकल बीमार रहते हैं, इसीलिए पंचायत घर नहीं आ पाते। विवेक को शक हो रहा था कि अभिषेक झूठ बोल रहा है। फिलहाल वो नाक बंद करके पंचायत घर के अंदर गया। उसे लग रहा था कि शायद कोई चूहा मरा पड़ा हो या कोई जानवर, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। यार अभिषेक, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं यहां रहूंगा कैसे। मजबूरी का नाम नौकरी है सर। हाँ यार, सही कहा तुमने। अभिषेक चला गया और विवेक मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर कुछ सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके ऑफिस में रखी हुई कुर्सी अपने आप हिलने लगी। वो उस कुर्सी के पास पहुंचा तो कुर्सी ने अचानक हिलना बंद कर दिया। ये क्या था? अगर ये हवा से हिल रही थी तो अचानक एकदम कैसे रुक गई? उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन कुर्सी पर बैठने के अगले ही पल अचानक उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो देखता है कि पूरे पंचायत घर में खून भर रहा है। फर्श, दीवारें, छत, सब कुछ खून से लाल हो चुका है। उसको हार्ट अटैक आने वाला था कि तभी अचानक उसका फोन बजा और वो ठीक हो गया। पंचायत घर भी पहले जैसा नॉर्मल था। हेलो, कौन?
सचिव जी, मैं प्रधान बोल रहा हूँ। आप घर आ जाइए, आज आपका खाना यहाँ है। ठीक है, आता हूँ। विवेक तो कैसे भी करके बस वहाँ से निकलकर भागना चाहता था। वो फौरन प्रधान के घर पहुँचा। आइए सचिव जी। क्या बात है, बड़े बदहवास लग रहे हैं आप। अभी मेरे साथ वहाँ बहुत अजीब सी चीज हुई। अच्छा, तो आपके साथ भी वही सब होने लगा। क्या सर? इस पंचायत घर में कोई भी सचिव रुक नहीं पाता है। इससे पहले आए कई सचिव भी छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन ये सब वहाँ हो क्या रहा है? पता नहीं, कुछ साल पहले ये सिलसिला अचानक शुरू हो गया। तो सरकार इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार दिखने वाली चीजों के लिए काम करती है। जो चीजें दिख ही नहीं रही हैं, उसके लिए सरकार क्या करेगी भला? विवेक खाना खाकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसे अचानक बिल्ली के रोने की आवाज आई। उसने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कहीं कोई बिल्ली नहीं थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो झिझक गया।